किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से ही देखते हो तो आप सबको बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो गाइस, कैप्शन देखकर समझ गए होंगे आप लोग कि आज की जो वीडियो है वो कौन सा मेकअप लुक का है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मेकअप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आई होप कि ये मेकअप आप सबको अच्छा लगे और आप लोग इसे ज़रूर क्रिएट करें। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र विथ प्राइमर। हाँ, ये इसमें प्राइमर भी है और मॉइस्चराइज़र भी है। ये फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्ट कर देता है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जो फॉरएवर 52 का है ये फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ वो मेरे टोन टू टोन है। मैंने चारों तरफ फाउंडेशन लगा कर फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ये जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको नायका पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसे नाम से सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो मेरे टोन टू टोन है। डार्क सर्कल वगैरह हाइड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से उसे ब्लेंड भी कर दिया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक और कंसीलर, जो मेरे शेड से 2 शेड लाइटर है। मैंने आईज़ के नीचे, नोज़ के ऊपर, अपर लिप पर, चिन पर और फोरहेड पर अप्लाई करा है, और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। चारों तरफ मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और डैबिंग मोशन में ब्लेंड किया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। मैं यहाँ अंडर आई के नीचे यूज़ कर रही हूँ, नोज़ पर यूज़ कर रही हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग किया था मैं वहाँ वहाँ यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। फेस पर फाउंडेशन यूज़ करने के बाद से आपके फेस का कट्स वगैरह जो होता है वो हाइड हो जाता है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए हमें या तो कंटोर करना पड़ता है या ब्रॉन्जिंग करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। मैं इस मेकअप में एक ही ब्रश से ब्रॉन्जिंग, हाइलाइटिंग, ब्लशिंग सब कुछ करी हूँ, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, आप एक ब्रश के साथ भी मेकअप कर लो आसानी से। अब मैं यहाँ सेम पैलेट से यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, और मैं बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे हाइलाइटर सेम पैलेट से, और मैंने चिक्स पे, नोज़ पे, अपर लिप पे, चिन पे सेम वहाँ वहाँ हाईलाइट किया है, जहाँ जहाँ कंसीलर से हाईलाइट किया था। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आईब्रो फिलर। मैं यहाँ ब्राउन और ब्लैक कलर मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट्स स्टार्ट किया है फील करना, बहुत ही आराम से फील कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर हमारे फेस पर लग जाएगा तो फिर से हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से यूज़ करना है ये। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आई शैडो और लाइट ऑरेंज कलर। मैं आउटर कॉर्नर पर यूज़ कर रही हूँ, और आउटर कॉर्नर पर मैं एक विंग के तरह यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने वही कलर उठाए हैं और अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज लाइन से, और नीचे भी मैंने उसी से शेडिंग करी है, आप देख सकते हो। दूसरे आईज़ पर भी मैंने सेम अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लाइट सिमरी है, जो मेरे ड्रेस से मैचिंग का सिमरी है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। विंग आईलाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। पहले ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है, फिर ऐसे आपको फील करना है लाइनर, बहुत ही हल्के हाथों से। मैं यहाँ जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी आपको नायका पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आईलैशेस। दूसरी आँखों पे मैंने ऑफ कैमरा यूज़ किया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, दोनों आईज़ पर, नीचे ऊपर दोनों तरफ यूज़ किए हैं। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक। मैं रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इस मेकअप के साथ कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो डार्क में।
अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर और मैंने मेकअप को सेट कर लिया है। यहाँ मैं ब्यूटी बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और ये है फाइनल लुक। आप सबको ये मेकअप लुक पसंद आया हो और आप सब इस वैलेंटाइन इस मेकअप को ज़रूर से ज़रूर रिक्रिएट करो और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो। और ये मेकअप लुक आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आई या फिर मैं वो चीज़ नहीं समझा पाई, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आई, मैं उसे बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब इस वीडियो को बहुत 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 प्यार दोगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।